प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस एवं बारिश तथा ओलावृष्टि से किसानों के फसलों के हुए नुकसान व उसके भरपाई को लेकर मंडल और जिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, SSP डॉ. सुनील गुप्ता, CDO हर्षिता माथुर, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव RK तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए वृहद रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ मुख्य सचिव RK तिवारी ने बरसात के दौरान हुई ओलावृष्टि में किसानों की फसलों के लिए हुए नुकसान का आकलन करके उनके मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। लेकिन अगर इसको इस समय कंटेन नहीं किया गया और इस समय हमने पूरी ताकत से इसमें नियंत्रण नहीं किया, यूरोप सबसे खराब, तो ये स्टेज 3 और आगे चाइना ने कंट्रोल कर लिया सकता है। चाइना से इन्फॉर्मेशन बाहर मुश्किल होती है, आगे कटाई नहीं होगी, वरना आगे हो सकता है इससे 10 गुना एफर्ट भी करने पड़े, रिसोर्स लगाने पड़े, फिर भी कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए इसमें गंभीरता की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में एक शासन आदेश भी कल किया गया, उसके पहले भी 5 तारीख को भी शायद आपने कुछ निर्देश जारी किए हैं। कौन सी तारीख है? पहले पेज पे ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि जो भी एफेक्टेड कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज तो थे जहां पे की विशेष रूप से समस्या गंभीर थी, लेकिन जो भी एफेक्टेड कंट्रीज हैं अभी जो है उनकी सूचना भी क्षति वाली है आपको दी गई है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। बीसी में ये छींकने से या सांसने से हो रहा है, ये सब राइट लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, और जो कॉमन प्रिकॉशंस उसको क्वारंटाइन करना और ये प्रयास करना कि छींकने से या खांसने से जो इसके वायरस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से उस ड्रॉपलेट्स के ऊपर जाते हैं वो दूसरे व्यक्ति को इफेक्ट ना करें। जैसे छींकने खांसने में कोशिश की जाए कि टिश्यू के माध्यम से या रुमाल के माध्यम से वो यथासंभव किसी सरफेस पे ना गिरे, किसी व्यक्ति के ऊपर ना जाए। जैसे हाथों में हम ना इसको लगाएं और अगर हाथों में इंफेक्शन है तो कैसे हम उसी को कर दीजिए, बार बार साबुन से हाथ धोएं, बहुत सारी प्रिकॉशन आपको बताएगी। यदि इसकी कोई ट्रीटमेंट करने की अभी तक कोई दवा या कोई हमेशा झुकाना ही पड़ता है, ठीक ठाक है, जिसमें कई निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों को वापस लाया गया है। अच्छा, सीएम ऑफिस के बाद इमरजेंसी लगा दिन में हो रहा है, उसके बाद 817 पूरा बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त